गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरी वन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? काफ़ी देर बाद व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ, और बहुत से लोगों ने कहा था कि आप भी व्लॉग देखने का मज़ा आता था, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, तो सो उनके लिए जो है दोबारा से स्टार्ट किया। और कुछ मेरा एक टारगेट था कि मेरा वो टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं व्लॉग बनाना अगेन स्टार्ट करूँगी, और माशाल्लाह से वो हो गया। एंड में आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करती हूँ क्या टारगेट था मेरा। तो वीडियो को जो है वो अगेन से देखना स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, आज हैप्पी बर्थडे व्लॉग है तो उसके बारे में वीडियो बना रही हूँ। तो जी, आज का व्लॉग आपको आई होप बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे, जो मेरे प्यारे चाहने वाले हैं, उन्होंने जो मुझे विशिंग की हैप्पी बर्थडे की। और मोस्टली सम टाइम आपको ऐसे लोग भी विश कर देते हैं जिनको आप नहीं जानते होते, या जिनको आप, जिनसे आपसे उम्मीद नहीं होती कि ये भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सबकी विशिंग बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। थैंक्स टू एवरी वन। और ये इससे आपका पता चलता है कि आपको चाहने वाले कितने लोग हैं और आपको प्यार करने वाले कितने लोग हैं। सुबह उठते ही मैंने सबकी विशिंग गाई हुई थी, और सुबह उठते सार मैंने सबकी विशिंग चेक की, और मेरा दिन बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। और जब आपको सुबह सुबह इतनी अच्छी विशिंग मिल जाए तो आपका दिन कैसे अच्छा नहीं गुजर सकता, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। आरियो जी जाइना, आज उदायना की मदरसे में पार्टी है और उदायना मदरसे जा रही है। चलो उदायना, बाय बाय कर दो मामा को, बाय बाय, चल जाओ जी उदायना, बाय बाय, इधर देखो ना जाने, बाय बाय, चलो जाओ, चल जाओ सारे बच्चे जी। उदायना को मदरसे भेज के और नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई हूँ ऊपर। अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मेरे ये ड्रेस की डिटेल, जो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और सोचा आपके साथ जो है वो शेयर करूं। अच्छा, ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा फेक पेजेस भी हैं, तो मैंने भी ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, और क्या काम है, कैसे है, सारा कुछ ये आपसे डिटेल में शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में। अभी जो है वो मैंने ड्रेस कैसा बनाया, और उन लोगों को जिनको थोड़ा डाउट होता है कि ऑनलाइन कपड़ा कैसा आएगा, तो ये उनके लिए स्पेशल जो है वो ड्रेस की डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया था मुझे पहनने का। और इसकी डिज़ाइनिंग कुछ मैंने इस तरीके से की थी, सिंपल सा था, और मेरा दिल भी था कि इसको सिंपल सा जो है ना वो डिसेंट सा रेडी करूँ, ताकि ये पहना हुआ जो है मज़ीद ग्रेसफुल लगे। तो ये सिंपल सा मैंने इस तरीके से इसका ट्रोज़र रेडी किया था, और जिसको हमने जो इस तरीके से जो है वो आजकल लैस का ट्रेंड है, यानी इसकी बैक साइड से जो है वो लैस बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, गुम लैस ही लगती है। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है, तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आइडिया नहीं होता, तो इसलिए जो है इसकी डिटेल शेयर करने का मकसद एक ये भी है कि उन लोगों को आइडियाज़ हो जाएँ कि क्या ट्रेंड में चीज़ चल रही है। तो ट्रेंड में क्योंकि आजकल प्रिंट सूट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने भी प्रिंट ही ऑनलाइन मंगवाया। गला कुछ इस तरीके से रेडी किया इसका मैंने, मीट पे जो है मेरे पास चिकन का पीस था, तो मैंने वो लगा के ये लैस की ही कटिंग करके जो है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। और बाजू कुछ इस तरीके से रेडी किए थे कि बाजू पर भी आप देख सकते हो गुम सिलाई में जो है वो मैंने लैस लगाई फ्रंट पर, और बैक पर जो है वो फिर सीरी लैस का यूज़ किया था। इसी तरीके से जो चिकन का पीस था वो मैंने बाजुओं पे यहाँ पे अटैच किया, और ये मेरे पास जो है वो मौजूद था, और ऊपर फिर हमने जो है वो सीधी लेस का यूज़ किया, और चाक्स पे भी चाक्स घेरे टोटल जो है वो इसी तरीके से हमने गुम सिलाई में जो है वो लेस लगाई थी। ये देख सकते हो गुम सिलाई में बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने लेस लगा के उसकी बैक साइड पर कपड़ा लगा के, जैसे आप पाइपिंग करते हो उस तरीके से, इसको पलटा भी कह सकते हो, उस तरीके से इसको कवर कर देते हैं, ये आप देख सकते हो ना इस तरीके से, क्योंकि आजकल जो है वो पलटे का फैशन भी है, तो लैस भी जो है वो पलटे के साथ लग रही है ताकि वो बैक साइड से गंदी नहीं लगे। और दुपट्टे के नीचे भी इसी तरीके से मैंने यही लैस का यूज़ किया था, और ये पहना हुआ ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, और स्पेशली जी हमजा ने भी तारीफ़ कर दी थी कि मैं ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो वो अपना डाउट क्लियर कर ले, मेरे से कुछ भी डिटेल पूछनी है आप इनबॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में ऑनलाइन अपना जो मैंने काम स्टार्ट किया है या पे स्टार्ट किया है उसके बारे में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, और लिंक्स भी अपने जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने किसी ने भी ऑनलाइन चीज़ मंगवानी हो तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके
मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो रेडी होते हैं, हमदा ना आ जाए उससे पहले पहले हम रेडी होते हैं। तो यहाँ जी मैं ऊपर रेडी हो रही थी और हम आ गए थे, तो जी वो जनाब आ गए हैं, तो हम जल्दी रेडी होते हैं, फिर हमने निकलना भी है क्योंकि थीम पार्क आ जाने का इरादा था और वहाँ पे अगर शाम हो जाए तो फिर हुसैना को मज़ा नहीं आएगा। बेसिकली हुसैना के लिए तो जाना होता है कि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर लें। थैंक यू मेरी जान। ये डिजाइना मुझे काफ़ी देर से जो है ना ये फ्लावर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कहूँ डिजाइना मैं अभी रेडी हो रही हूँ, मैं आपसे बाद में लेती हूँ, तो डिजाइना ने मुझे अब दिया है। थैंक यू डिजाइना। ये जी बादू भी अच्छे लग रहे हैं और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से लूज यहाँ पे आपको दिखा देते, गला कुछ इस तरीके से था, ये जो मैंने आपको डिटेल चेक कराई थी। हाँ जी, तो आप सबको ड्रेस कैसा लगा? तो अभी हम जो है वो निकलने लगे हैं थीम पार्क के लिए। अतिरे तेरे बिना भी क्या जीना। जीना तो भी खाना। चंद दी कुड़ी बदला दी पैन सारे तंद बिजली बिजली कैन जिदे उत्ते गिरदी बचदा नहीं कख भी तारे भी डर के रहन सिंडरेला तेरे ते आया दिल मेरा घुंगरू पाके बखाया हाँ तेरा काला चश्मा पाया लुधियाना सारा ही पीछे लाया। ये रास्ता और कोई चस्का ना लगाया ऐसे कैसे हो सकता है गुजरते हुए मुझे वो ना सबसे नीचे ब्लू कलर के टॉप ऑफ जो है वो बड़े मजे के लगते हैं। हमदा को बोला मुझे वो ला के दे, तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली कहाँ के रस्ते में थोड़ा सीधा मुँह चलाते रहो, थोड़ा रास्ता में रस्ते में मुँह चलाते रहो तो थोड़ा सा मज़ा आता है। बाबा लेके आ रहे हैं। जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं और रुदैना हमेशा की तरह जो है वो सो गए, क्योंकि ये टाइम जो है वो रुदैना का बेसिकली सोने का होता है। तो रुदैना को हमने कहा चलो सो जाओ रुदैना, 10-15 मिनट भी आप सो जाओगे तो फ्रेश हो जाओगी। जी यहाँ पे हम थीम पार्क आ गए हैं और रुदैना भी सोई हुई है, रुदैना को उठाना पड़ेगा। वो जुजाइना के बाबा आ रहे हैं जुजाइना को लेके, और मैंने कहा चलिए तब तक मैं उनका थोड़ा सा काम आसान कर देती हूँ, तो मैंने टिकट्स ले ली हैं अंदर जाने की तैयारी। अच्छा जी जुजाइना दो वाली साइड से हम जो है वो हम घूम आए थे और दो साइड से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज भी जो है वो थीम पार्क की बहुत डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसको मजीद देखना है उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो इसलिए फिर आज इतनी डिटेल वीडियो नहीं बनाई, जस्ट इंजॉय किया था। इधर रुदैना जो है वो जूल ले रही है। हाँ जी जब तक रुदैना जूल ले रही है क्यों ना हम गरम गरम पॉपकॉर्न खाएं, रुदैना जूल ले रही है। ये मामा से नाराज होके गई है, मैंने देती थी उदैना आप ये वाला झूला ले लो, जी मामा मैंने ये झूला नहीं लेना, तो जी वो गई मामा से नाराज होकर। जी इस झूले पे झूला ये उदैना को इसलिए पसंद आया क्योंकि इस झूले पे जो है वो बच्चे कम हैं, क्योंकि इस झूले पे बच्चे ज़्यादा हैं तो उदैना वाइट कर रही है, तो उदैना मैडम यहाँ पर चली गई है। यहाँ पर साथ साथ पॉपकॉर्न इंजॉय कर रही हूँ और वो देखें जी क्या कर रहे हो, लाइट पड़ रही है, ये देखे जी उदैना के बाबा के काम, ये इसको ऊपर लटका जा रहा था और भागो। कौन सा झूला लेना है आपने, आप मुझे ये बताओ ना आपने कौन सा झूला लेना है। आएंगे आएंगे अभी वो साइड का रोन लगाने के हैं। कौन सा वो वाला लेना है उदैना, वो वाला लेना है आपने।
उदायना बम्पर का नहीं बैठो भी बहुत मजा आएगा। मैं भी प्रिंसिपल इधर बैठी थी, मुझे बहुत मजा आया था। लेकिन जाना ये बच्चों वाला झूला है ना, इधर बड़े नहीं बैठते, ये बच्चों वाला झूला है। हाँ प्यारा है ना, आप बैठो। हाँ आप इसके ऊपर बैठो। गल देने जा रहे हैं, भाग के जाओ। क्या हुआ है, क्या हुआ है, मोटरसाइकिल आ रही है। नैने तो खड़ी हो, मामा पिक्चर लें, उसके पास खड़ी हो, मामा पिक्चर लें। चार जो ऐसे जी थीम पार्क से हम आ गए थे और बहुत शदीद भूख लगी थी, तो आप सोच रहे थे कौन सा रेस्टोरेंट ट्राई करें। तो जी रियल टेस्ट पे हम पहले भी वैसे आ चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं रियल टेस्ट पे। रियल टेस्ट पे जी रैना, आप दो लेके आई थी ना, अब मैं आपको ले दूंगी रास्ते में। ना आप क्या खाने लगी हो? नान। नान किसके साथ? किसके साथ? ये क्या होता है बताओ? अच्छा आपको बोल दो लव यू, लव यू बोल दो। ओके ओके जी, अब हमारा खाना आ चुका है और बड़ी जोरों की भूख लगी है, तो वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। करें स्टार्ट आप। और जी ठहरो, सब्सक्राइब किया नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़े मज़े के व्लॉग के लिए नीचे लिंक जो है वो मेंशन है, तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टाटा बाय बाय।